भारत की आजादी से जुड़ी ऐसी तमाम घटनाएं जो एक अविस्मरणीय इतिहास बन चुकी है, इन्हीं में से एक है भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। आपने भी इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा या अपने बुजुर्गों से सुना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन साल 1942 में आज के दिन यानी 8 अगस्त को शुरू हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय दूसरे विश्व युद्ध में उलझे इंग्लैंड को भारत में ऐसे किसी भी आंदोलन की उम्मीद ही नहीं थी। पूरी ब्रिटिश हुकूमत इससे हिल गई थी और 1857 के बाद देश की आजादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में 1942 का ये आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन साबित हुआ था। आइए आज भारत जोड़ो आंदोलन के इस दिन को याद करते हैं गाथा स्वतंत्रता सेनानियों में। आपको बताते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी खास बातें। भारत को यूं तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन आजादी की कहानी बड़ी लंबी है। आजादी पाने के लिए कई वर्षों तक लंबी लड़ाई लड़ी गई, तब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इन्हीं में से एक था भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत की नींव पूरी तरह हिल गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के बॉम्बे अब मुंबई इसके अधिवेशन में इसकी शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काफी प्रभावशाली साबित हुआ और शासन की इससे नींद उड़ गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत के अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को अंग्रेजी सरकार ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें गांधी जी भी शामिल थे। इस दौरान कई लोग मारे भी गए। प्रत्येक साल उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाए थे। वैसे तो आजादी की लड़ाई कई वर्षों पहले से जारी थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि बिना मर्जी के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए थे और यही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण बना था। वैसे तो आजादी की लड़ाई कई वर्षों पहले से जारी थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि बिना मर्जी के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए थे और यही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण बना था। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की खासियत ये थी कि इनमें पूरे देश के लोग शामिल हुए थे, जिसमें अंग्रेजी शासन के जड़ें हिल गई थी। महात्मा गांधी ने ग्वालिया टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया था, जिससे पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। बाद में ग्वालिया टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी, लेकिन आम तौर पर लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत 9 अगस्त से हुई थी। इस आंदोलन के दौरान 14,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसे कई योद्धा एवं शूरवीर हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जानें न्योछावर कर दी। गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की इस कार्यक्रम में हम रोजाना जानते हैं 15 अगस्त यानी जिस दिन भारत देश आजाद हुआ था, इस आजादी के लिए किन किन लोगों ने, किन किन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और किस तरह एक एक कार्यक्रम से हमारा देश आजादी की ओर बढ़ा। तो रोजाना ऐसे ही कार्यक्रम में मिलेंगे फिर एक बार। तब तक के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।